हेलो दोस्तों, दिस इज रेमनेंट फ्रॉम एनसीएम होलसेल। दोस्तों आज की वीडियो भाई आपने देखा भाई 40,000 रुपये बचा दिए कैसे, मतलब अंधी गिरी क्या मतलब होता है ना कि भाई बिल्कुल ही हराम की खाने की आदत डल गई लोगों को। ये भाई का ये क्लाइंट की तो इसमें बता रहे हैं, मेरे पास फोन आता है कि भाई इसमें मेरी गाड़ी में क्रैंक की आवाज़ है, सर्विस सेंटर वाले बता दिए क्रैंक का काम होगा। ये नहीं पता कौन सा सर्विस सेंटर था। तो मैंने कहा भाई मैं तो कहना खर्चा बता दूँ, मैंने भाई पहले बाइक दिखाओ क्योंकि बहुत से केस ऐसे आते हैं कि जो सामने आने पर पता चलती है। तो भाई बाइक लिया है, कह रहा भाई देख लो उसमें क्रैंक आवाज़ कर रही है, क्योंकि बता दिया मुझे भी लग रहा है क्रैंक की आवाज़ कर रही है ना। चलो ठीक है, मैंने आवाज़ सुनी और सबको पता है क्रैंक का जो इंजन काम होता है ना 25 से 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है। आवाज़ कौन सी है, सुनो आवाज़ आपको यहाँ नहीं आएगी, इस साइड सुनाता हूँ, आप इस साइड आओ, झटका दे रहा हूँ, आ रही है कट कट, और अगर पूरी नहीं दे रहा हूँ कोई आवाज़ नहीं है। क्रैंक की होगी दोस्तों, अब भी बता रहा हूँ, या तो आइडल पे करेगी और फुल रेंज देने पे तो करेगी करेगी यार, हाई गियर पे जो होगा नॉक इन करेगी बहुत ज़्यादा। बट यहाँ किसकी आवाज़ है, ये जब झटका मार रहे हैं कट, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कि जैसे यहाँ पे बोल्ट खुल गया। बट मैंने क्लाइंट है तो मैंने चेक करा, बट यहाँ से जब बोल्ट देखा मैंने तो बोल्ट नहीं खुला हुआ है, बट आवाज़ क्रैंक की भी नहीं है। तो ऐसा क्या है, बोल्ट खुला हुआ नहीं है, हो सकता है लूज़ हो, या हो सकता है गरारी किसी ने पीछे इसके वार्सल लगा दी, इसका स्पार्क प्लग पीछे वार्सल होती है वो ना लगाई हो। तो क्योंकि आवाज़ ही उसी की जैसे गरारी डील होती है, एकदम टक की तरह मार रही है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्लच कवर खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट से बोल दिया भाई क्रैंक की आवाज़ नहीं है। ये आ गई जबान वाली बात पे, क्रैंक तो आए थे क्रैंक की आवाज़ के लिए, अब बोल भी नहीं सकते क्रैंक की आवाज़, क्योंकि क्रैंक की आवाज़ नहीं है ये, तो यहीं से खोल के करनी है। कैसे करनी है दिखाता हूँ अभी। आप क्लाइंट बता रहे थे कि ये चीज़ जो हुई थी आठ नौ महीने पहले बताया था, उसके बाद से उन्होंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था। तो उसके बाद टायर तक इसका चटक गया खड़े खड़े बाइक का, तो कह रहे हम यूज़ करिए तो काम कराना है। मैंने भाई टेंशन मत लो, क्रैंक की आवाज़ नहीं है इसमें, क्रैंक की आवाज़ एक अलग ही होती है यार, वो हर कोई बता देता है, पता नहीं क्यों हराम की खाने की आदत पड़ गई है। ये निकल गया है, देखते हैं इसमें आवाज़ क्या कर रहा है। सत्ता का रिंग पाना दिखाओ ना, नट तो लगा हुआ है वैसे, मोस्टली एक वीडियो बहुत प्लेमेंट है उसका नट खुल के गिरा हुआ था, ये नट टाइट है। ओहो दोस्तों पास से आओ, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रही है वाशर, ये ढीली है, ये देखो, मतलब ये नट ढीला है अभी, इसको नट को इसकी आवाज़ आई है। पहले इसको खोल के देखते हैं, ये टाइट चढ़ रहा है, ये नट बहुत ज़्यादा टाइट चढ़ रहा है, इसकी वजह से फुल टाइट नहीं हुआ है नट, और ढीले पे भी ऐसा लग रहा होगा जैसे टाइट हो गया, बट ये ढीला था और ये गरारी आवाज़ कर रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या आवाज़ कर रही थी, देखो दोस्तों ये चीज़ प्ले की आवाज़ थी इसकी, तो गाड़ी में क्योंकि झटका पड़ा था। अभी कुछ नहीं करे, बेसिकली इसके अंदर सर्विसिंग का भी काम है, तो ये नट टाइट करते हैं पहले और आपको सुनाता हूँ उसकी आवाज़। हल्की से इस पर बॉन्ड लगानी है ताकि ये बाद में लगाया इतना टाइट था ये खुलेगा नहीं, बट फिर भी उसको फुल टाइट करना है हमें, बस फुल टाइट हो चुका। अब इसका कवर लगाते हैं, अभी ना फिलहाल के लिए बस ऐसे लगा रहा हूँ इसका भी, क्योंकि सर्विसिंग का भी काम करना है, इसका ऑल ओवर सब चेंज करना है, तो बस आपको आवाज़ सुनाने के लिए, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, तो बस आवाज़ सुनाने के लिए आपको लगा रहा हूँ ये, ताकि इस वीडियो को यहीं एंड करें, क्योंकि कवर खोलने में ना आवाज़ पता नहीं चल पाती आपको। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट, मारो की खाली, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है, खत्म हो गई वो क्रैंक के साउंड, इसकी क्रैंक रिपेयर होकर आ गई खराब से, फिर इंजन भी बांध दिया हमने, सारी कंप्लीट कर दी, इंजन भी बांध दिया, पिस्टन भी सब कुछ काम हो गया, मतलब इस काम के बस ये ना ढीला था, वो गरारी की आवाज़ थी, गरारी बेसिकली नॉकिंग कर रही थी उस चीज़ की आवाज़ थी इसके अंदर, और उस काम के
मांगे उनसे कि 35,000 रुपये के आसपास इंजन खुलेगा। इंजन खोलते हो कोई भी होगा, मतलब अगर किसी ने बोल दिया उसकी नियत है इंजन खोलनी, खोल के साफ सुफ करके लगा देते और नट टाइट तो जाहिर सी बात हो ही जाता। दोस्तों अगर मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखो, क्रैंक की आवाज़, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है क्रैंक की किस चीज़ की आवाज़ है होती है, आपको लोगों को पता है, थोड़ा सा और देखो अगर अलग है तो वो क्रैंक की आवाज़ नहीं है, ये क्रैंक की शाफ्ट में से आवाज़ थी क्योंकि इसकी उठाने की अलग आवाज़ थी। तो इस चीज़ को काम को फालतू में मत बढ़ाया करो, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, मेहनत से बहुत मेहनत करते हैं कस्टमर, मतलब जितने भी हमारे क्लाइंट हैं कोई भी, हम भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। किसी को पागल मत बनाओ, सब यहीं रखा रह जाएगा, छोड़ दो वो धंधे जिनके अंजाम है धंधे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, होप आप वीडियो पसंद आएगी तो, और अपने आप अंदाज़ा मत लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मुझे फ़ोन पे वीडियो भेजो या मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ किसी के पास भेज जाओ अच्छे से अच्छे मैकेनिक जो आपके नियर बाय है। बहुत से लोग बोलते भाई हमें नहीं पता, तो भाई जो आपकी बाइक बुलेट चला रहा हो आपके इलाके में मिल जाए, मेरी भी गाड़ी अगर कोई मुझे कुछ दिक्कत आती है तो मैं क्या करता हूँ उस एरिया में उस चीज़ के बंदे को पकड़ता हूँ, तो हाँ भाई आपके यहाँ पर क्या है, तो समझ लो ना, तो उसको अंदाज़ा होता है। तो आप ऐसे करके सर्च करो, और फ़ोनों पे आवाज़ नहीं पता चलती, सामने आती है जब पता चलती है, जैसे भाई ने फ़ोन किया था जब वो भाई क्रैंक करानी है खर्चा कितना आएगा ये सब वो आए, तो एडियन क्या हुआ अब खाली सर्विस हो के जाएगी भाई, नट ढीला था। होप आप वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार के वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।